वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। वन इज द यूट्यूब चैनल, अदर इज द फेसबुक पेज, द थर्ड वन इज द फेसबुक ग्रुप। द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। Like my videos, give me comments on my videos and on my channel. Share my videos with your class fellows and friends. Tenth class mathematics. Theory of quadratic equations. Unit number 2, exercise number 2.3. Question number 1. Without solving find the sum and product of the roots of the following quadratic equations. Part first, x square minus 5x plus 3 is equal to 0। आपने जो सबसे पहला काम है वो कोएफिशिएंट लिखेंगे आप x स्क्वायर के, x के, और जो कांस्टेंट वैल्यू है लास्ट वाला जो नंबर है वो। अब यहां सबसे पहले आप जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है वो a का वैल्यू होगा, दैट इज 1। अगर कोई नंबर ना हो तो नंबर 1 होता है। इसी तरह b इज इक्वल टू माइनस 5 है, ये x के साथ जो कोएफिशिएंट हो वो b का वैल्यू होता है। और जो आपका नंबर है कांस्टेंट वो कांस्टेंट कहलाता है, दैट इज वो वैल्यू ऑफ c होगा, दैट इज 3। हमने सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम ऑफ द
roots is equal to ये आपके पास होगा अल्फा प्लस बीटा और देन प्लस का साइन अभी आपने लेना है बीटा और बीटा आपको यहां से मिलेगा ब्रैकेट क्लोज ये इज इक्वल टू जो सिंपल इसका फॉर्मूला है वो माइनस बी अपॉन ए बी और ए दोनों का वैल्यू आपने ऊपर फाइंड किया हुआ है. नेक्स्ट लिखेंगे आप सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट स्टार्ट बी का वैल्यू माइनस फाइव है माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय यानी कि अपॉन ए का वैल्यू वन है आप सिंपल वैल्यू वन प्लग कर दें देन सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपके पास प्लस आ जाएगा प्लस फाइव अपॉन वन नहीं लिखा जाता स्टैंडर्ड में अपॉन वन होता है. अस्सलाम वालेकुम मैं तो ना सुबह कॉल करूंगा मैं कॉल कर रही थी मैं थोड़े काम कर रहे थे उधर बिजी हैं जरा. मैं 10 और 12 के दरमियान से इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम. ये आपका एक आंसर आ गया अभी हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. इसके लिए मैं कलर जरा चेंज कर देता हूं ये इज इक्वल टू होगा अल्फा बीटा और यहाँ पे ये साइन चेंज करता हूँ सबसे पहले ये अल्फा बीटा और इसका अब कलर चेंज कर देते हैं और इज इक्वल टू सी अपॉन ए product of the roots is equal to अब c का वैल्यू आपके पास है 3 यहाँ पे आप c का वैल्यू प्लग करेंगे 3 अपॉन 1 1 चूंकि रूटीन में नहीं लिखा जाता इसलिए आपका product of the roots is equal to 3 which is the answer second answer है ये आपका. इसको अब रिव्यू कर लेते हैं अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो आपने कंडीशन ये थी सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ ये टेंथ क्लास मैथमेटिक्स है जिसके अंदर यूनिट टू के अंदर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज ये 2.3 है क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन अब अपलोड होने जा रहा है
without solving find the sum and product of the roots of the following quadratic unions. x square minus 5x plus 3 is equal to 0 है. सबसे पहले इसमें आपको वैल्यू फाइंड करना होती है. जो कॉफिशियंट होते हैं ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ वो ए का वैल्यू होता है, जो एक्स का कॉफिशियंट होता है वो बी का वैल्यू होता है, और जो कॉन्स्टेंट होता है वो सी का वैल्यू होता है. ये मैंने लिख दिए हैं, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस फाइव. ख्याल रहे कि ये माइनस का साइन साथ लिखा जाता है. देन कॉन्स्टेंट इज थ्री, सी इज इक्वल टू थ्री. सम ऑफ द रूट्स जो कि अल्फा प्लस बीटा है, इसके लिए फार्मूला होता है बस माइनस पी अपॉन ए. मैंने वैल्यूज को प्लग किया, माइनस इंटू माइनस फाइव अपॉन वन, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस, प्लस फाइव इज आंसर. ये है सम ऑफ द रूट्स, दैट इज फाइव. अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए फार्मूला अप्लाई करना होता है, दैट इज अल्फा बीटा. अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है. तो सी अपॉन ए मीन सी का वैल्यू थ्री है, ए का वैल्यू वन है. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू थ्री, विच इज द सेकेंड आंसर. अब आपके पास सेकेंड पार्ट है, थ्री एक्स, बल्कि कलर इसका चेंज करते हैं. थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो. ए का वैल्यू आपके पास यहां हो जाएगा ए इज इक्वल टू थ्री एंड बी इज इक्वल टू सेवन एंड सी इज इक्वल टू इलेवन. ये वैल्यूज हो गई. उसके बाद आपने फार्मूला लिखना होता है. इसमें चूंकि फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है तो उसको ही कॉपी कर लेते हैं. ये किया कॉपी, यहाँ पे आपने फार्मूला प्लग किया कंट्रोल बी के साथ. इसका कलर जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं. अब आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं, मैं इसको अभी कॉपी करता हूँ. ये है आपके पास माइनस का साइन आएगा क्योंकि फार्मूले में माइनस मौजूद है. बी का वैल्यू सेवन है अपॉन ए का वैल्यू है थ्री, तो आप थ्री पुट कर देंगे, यही आपका आंसर है. अभी हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आपके पास फार्मूला होगा, ये डिफरेंट इंक के साथ इसको यूज करते हैं. अब यहाँ सी का वैल्यू आपके पास 11 है अपॉन ए का वैल्यू 3 है, 11 अपॉन 3 इज आंसर. नेक्स्ट है आपका पार्ट 3. पी एक्स स्क्वायर देन बल्कि माइनस है, माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो.
सबसे पहले आप वैल्यूज निकालेंगे, a इज इक्वल टू पी एंड b इज इक्वल टू माइनस q एंड c इज इक्वल टू r। ये होगी वैल्यूज a b c की। इसके बाद आपने फार्मूला लगाना है, पहले आप सम का फार्मूला लगाएंगे, सम इज इक्वल टू एप्रोप्रिएट इंक के साथ मैं उसको रिप्लेस करता हूँ दिस वन। अभी आप दोबारा लिखेंगे अप टू दिस इंक चेंज की, इसमें मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, आप लोगों के लिए टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि आप लोग अपनी एक ही पेन के साथ इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। माइनस माइनस के बाद ये बी के साथ, चूंकि माइनस का साइन है इसलिए माइनस में माइनस लिखा, और बी का वैल्यू बी माइनस है तो माइनस क्यू, और ब्रैकेट क्लोज देन अपॉन ए का वैल्यू आपके पास पी है तो अपॉन पी। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस क्यू अपॉन पी। ये आपका आंसर हो जाएगा जी। अभी आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला के बाद वैल्यू ऑफ सी आर है अपॉन वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू हमारे पास पी है तो यहाँ पे आप पी लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। नेक्स्ट पार्ट के लिए जो कि पार्ट फोर्थ है, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आपने कोफिशिएंट को लिखना है, ए इज इक्वल टू यहां पे कोफिशिएंट आपका एक्स स्क्वायर के साथ ए प्लस बी है, ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू माइनस ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देन सी इज इक्वल टू बी है आपका कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट नॉट कोफिशिएंट। अब यहां से सबसे पहले आपने फाइंड करना है सम, सम ऑफ द रूट्स। मैं सबको एक दफा कॉपी कर लेता हूं ताकि टाइपिंग में काम बच जाएगा। इट इज कंट्रोल हो गया, उसके बाद इसका जो कलर है वो सेम कलर कर देते हैं। इस कलर में ये लिख देते हैं। अब इनका मैंने जो वैल्यूज हैं यहाँ की वो लगा देते हैं। अब लिखेंगे माइनस इनटू माइनस ए, क्योंकि बी का जो वैल्यू है वो माइनस ए है
अपॉन ए का वैल्यू ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी। और यहाँ क्वेश्चन आंसर में माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ए अपॉन ए प्लस बी, ये आपका आंसर हो गया सम ऑफ रूट्स का। अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो इसको मैं दोबारा करता हूँ कॉपी, और ताकि मुझे दोबारा टाइपिंग ना करनी पड़े। और ये प्रोडक्ट फार्मूला लगा दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का इज इक्वल टू अल्फा बीटा होता है, या सिंपल आपके पास सी अपॉन ए। अभी इस केस में हमारे पास जो सी है वो है बी, वैल्यू ऑफ सी इज बी, बी एंड अपॉन ए का वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के साथ हम एडिशन कर देंगे, ऐड कर देंगे इनको। अभी चूंकि अनलाइक टर्म्स हैं ये ऐड वगैरह नहीं हो सकती, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका पार्ट फिफ्थ। एल बल्कि इसमें कलर जरा स्कीम देते हैं, L प्लस M ब्रैकेट क्लोज X स्क्वायर प्लस M प्लस N एक्स प्लस एन माइनस एल। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में डाटा अवेलेबल है, ए का वैल्यू यहां पे आपके पास होगा एल प्लस एम, और बी का वैल्यू विल बी एम प्लस एन, और सी का जो वैल्यू है वो एन माइनस एल होगा। अभी हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द रूट्स।
थोड़ा सा डिफरेंट है, चलें अभी चल जाएगा। अभी आप लिखेंगे वैल्यूज, माइनस का साइन उसी तरह आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट एम प्लस एन, जो कि वैल्यूज हैं आपके पास बी का, अपॉन ए, ए का वैल्यू आपके पास है एल प्लस एम। इसको इसी तरह आप लिखेंगे माइनस ब्रैकेट स्टार्ट एम प्लस एन ब्रैकेट क्लोज अपॉन एल प्लस एम, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आपने प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। प्रोडक्ट के लिए मैं फार्मूला कॉपी करता हूं। अब यहां पे जो वैल्यूज हैं C का जो वैल्यू है वो आपके पास n माइनस एल है, अपॉन a का वैल्यू l प्लस m है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट सिक्स। सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एम एक्स प्लस नाइन एन इज इक्वल टू जीरो। पहले आप कोएफिशिएंट लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू सेवन, बी इज इक्वल टू माइनस फाइव एम एंड सी इज इक्वल टू नाइन एन। ये अप्रोप्रिएट जो वैल्यूज थी ए बी सी का वो मैंने लिख दिया। इसके बाद आप कॉपी कर लें, एक एक ही दफ़ा मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और यहाँ पे जाके कर देता हूँ पेस्ट। अभी इनका कलर पहले मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कलर कर देते हैं रेड और इसका कलर यही रहने देते हैं, या चेंज अगर करना चाहें तो इट कैन बी चेंज्ड लाइक दिस। चलें जी, अभी अभी हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला पहले उसी तरह आएगा, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट b माइनस फाइव एम है तो माइनस फाइव एम ब्रैकेट क्लोज अपॉन a का वैल्यू सेवन है। माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे आंसर फाइव एम आ जाएगा अपॉन सेवन, उसी तरह लिख दिया जाएगा। ये आपका
सिंपल आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और सी का वैल्यू 9n है, आप इसको लिखेंगे 9n अपॉन ए का वैल्यू 7 है, तो दैट इज 7, 9n अपॉन 7 इज द आंसर। इसके साथ ही इस वीडियो का कंप्लीशन होता है। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग में इंटरेस्टेड हों तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए, दैट इज 0321-5838-264। अगर आपको क्वेश्चन में कोई क्यूरी हो तो आप मेरे चैनल में कमेंट करके अपनी क्यूरी का रिप्लाई ले सकते हैं। एक दफा इसको रिव्यू कर लेते हैं। यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का अपलोड इन प्रोसेस है, जिसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। ये मैंने ईच एंड एवरी पार्ट को आपकी आसानी के लिए सॉल्व कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल में वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें ताकि आप लोगों के एग्जाम की तैयारी हो सके। थैंक यू वेरी मच।